तो बहुत अच्छी फसल पैदा किया है। तब क्या कहना चाहिए मंगल चाचा? इसे आपने घोड़े तौरा करके रौंद दो, यानी वहां पर चल करके घोड़ों को दौड़ा करके सारी फसल को रौंद दो। हाँ, सारी फसल खराब कर दो। चलो ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसा ही होगा। अरे चोला, तू भी क्या कर रहा है कमीने? ठकुराए? हाँ चोला। अरे हमने आया है सिर्फ तीन सवाल पूछने। तीन सवाल? हाँ। अरे कौन से तीन सवाल है? मैं तेरे कोई सवालों का जवाब नहीं दूंगी। ठकुराए, ये बताओ कि गंगा कहाँ है? गंगा? मुझे नहीं मालूम गंगा कहाँ है। तुम्हें नहीं मालूम? हाँ मुझे नहीं मालूम। ठाकुराइन, क्या बात है? दूसरा सवाल हमारा है, गंगा का हमदर्द शंकर और शिवा कहाँ है? ये भी मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम भी होता तो मैं तुझे नहीं बताती। यानी मालूम होता तब भी नहीं बताती। हाँ, नहीं बताती। ठाकुराइन, क्या बात है रे? हमारा आखिरी सवाल है, तुम्हारा पति भवानी सिंह कहाँ है? अरे ज्वाला, मैं नहीं बताऊंगी। अगर तुम्हारा मेरे पति का नाम लिया, तेरे मुंह पर और थप्पड़ मारूंगी कि तेरी ये जो लंगूर जिसे सकल है ना, ये पीछे घूम के लग जाएगी बंदर कहीं के। मंगल चाचा, ठाकुर की फसल देखो कितनी अच्छी है। देख लो चारों तरफ लहरा रही है फसल। ए, इसमें तेरे बाप को क्या जाता है? ये मेरी मेहनत की फसल है। ये मेरे पति और मेरे बेटों ने हल चलाया है, अपना खून पसीना एक किया है, तब इतनी अच्छी फसल हुई है। मंगल चाचा, रौदा दो इसे घोड़े से, बस बर्बाद कर दो इसे। बर्बाद करना? मैं कहती हूँ मेरे फसल की ओर, मेरे खेतों की ओर एक कदम मत बढ़ाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठकुराए? हाँ ज्वाला। मैं जब जब आऊंगा जिसी तरह से तुम्हारी फसल नष्ट करता रहूंगा। ज्वाला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटा, तू यहाँ से चला जा, अपनी जान बचा ले, वरना मेरे बेटे और मेरे पति आ गए तो तेरे टुकड़े टुकड़े कटाएंगे। पागल, तू जा यहाँ से। ठकुराए, आज तो मैं जाता हूँ, लेकिन जब दूसरी बार आऊंगा तुम्हारे और तुम्हारे पति देव के लिए खून का सैलाब लेकर आऊंगा। खून का? तू क्या लाएगा? तू अपने हाथों से अपनी जान गवा बैठेगा। जा जा यहाँ से, चला जा, मेरी फसल तोड़ जोला। ठीक है, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चलेगा। मैं चाहता हूँ पाला की ठकुराई। राधा, क्या बात है? क्या कोई यहाँ पर आया था? नहीं तो कोई नहीं आ पाया था। ये क्या? मेरी लहलहाती फसल एक तरफ से बिखरी हुई? तो बोल राधा भला, कौन आया था रे? बोल राधा भला। बर्बाद मेरी फसल कर दिया, कच्चा खा जाऊंगा उस बेईमान को जिसने बर्बाद मेरी फसल कर दिया। बोल राधा, कौन आया था? इसकी बजाय जो हमारी फसल की तरफ देखा उसे मार डालूंगा। ठहरो ठहरो, अरे यहाँ पे कोई नहीं आया था। ये जो जंगली जानवर हैं,
इन्होंने हमारी फसल में जाकर निकले हैं, इसलिए फसल जंगली जानवर हाँ। हमारे खेतों में हाँ। उन्हें हमारा ही खेत मिला था। शंकर चुरा बंदूक लेकर के आओ, चलो चारों तरफ से जंगल को घेर लो, एक भी जानवर नहीं बचना चाहिए, आग लगा दो जंगल में। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आखिर वो जानवर है, वो क्या जाने किसकी फसल का नुकसान होता है और किसकी फसल का अच्छा, वो तो जानवर है। राधा ना जाने मेरे सिर में क्या घुस जाता है जो तेरी बात नहीं मानने आता है। क्या इन जानवर को मेरी ही फसल मिली थी? अरे जानवरों को क्या मालूम है कि तुम्हारी है कि किसी और की है? अरे हम और हमारे बच्चों ने कितनी मेहनत किया था, सारी मेहनत बेकार गई। ठीक है शंकर शिवा, जाओ ट्रैक्टर लेकर के बाजार जाओ, सीमेंट मोरंग सरिया सभी लेकर के आओ, अपने प्लाट के चारों तरफ कटीले तार बांध दो ताकि कोई जंगली जानवर हमारे खेतों की तरफ ना सके। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम अपनी फसल की सुरक्षा अपने आप करेंगे। राधा हाँ, ना जाने मुझे क्या हो जाता है। और का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चननिया घर में गरीब के हाँ? और उठाई ले घोंघटा, उठाई ले घोंघटा, उठाई ले घोंघटा, तू चांद देख ले, उठाई ले घोंघटा, तू चांद देख ले। जानू मैं चननिया कब के कब चननिया घर में गरीब के, उठाई ले घोंघटा चांद देख ले। काश मेरे पास होती धरती तो मैं तुझे प्यार नहीं करती, धरती से पैदा होता सोना बिकता नहीं प्यार का खिलौना, ये मुफ्त का है चौदह पैसे नहीं होता, होता है प्यार से मिलाई ले नहीं नवा, मिलाई ले नहीं नवा, मिलाई ले नहीं नवा। सरदार जी तेल, जब हम लोग ठाकुर भवानी सिंह की हवेली पर गए हाँ तो ठाकुर ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। हाँ मंगल चाचा, लेकिन आज मैं जानता हूं साली कुतिया को उठा करके अड्डे पले चले, लेकिन वो है कहाँ? वो अपनी हवेली पर मिलेगी। तो मंगल चाचा क्या देखते हो, चलो हराम चादी को उठा करके ले चलते हैं, आओ मेरे साथ में। आज मैं बहुत ज्यादा उससे भी ज्यादा खुश हूँ कि आज मेरे पति मेरी बात मान लेते हैं, भले मैं झूठी बात कहूं लेकिन मेरी बातों को कभी इनकार नहीं करते। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, इतना बदल गए कि मैं क्या कहूं क्या बताऊं। ओरे हरे वाह हरे वाह हरे वाह हो, ओरे हरे वाह हरे वाह हरे वाह हो, गुरु हम का मंगाई दियो नन्ना नजर से हरवा हो,
हमारे मेला मालिक मोहम्मद रजा भाई साहब उनकी तरफ से ये 10 रुपया नो राइटिंग कलमबन आपके लिए आए हुए हैं। पार्टी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। और हरवा पत्र आगे हमारे बाबा जी और बाबा जी की तरफ से ये 10 रुपये आपके लिए हाथों हाथ आए हुए हैं। पार्टी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। अरे पापी ज्वाला, मैं कितनी बार तुझे समझा चुकी हूँ। अरे पाल आगे ठकुराई चाची, पाल आगे जे बताओ, तू चाहे जितना पाल आगे चाहे जितना आशीर्वाद ले, लेकिन दे समझ तेरी कदा आ गई है। बार मेरे सर को आएगा उतनी जल्द तेरी मौत तेरी नजदीक आती चली जाएगी। चाची हाँ ज्वाला, जब तक के मैं गंगा को नहीं पाऊंगा तब तक क्या आता ही रहूंगा। अरे ओ स्वर्ग की पिल्ले, तू गंगा को हाथ तो लगा के दे। तेरा हाथ मैं कटवा लिया अपने बेटों से कह के, तो मेरा नाम राधा नहीं है। मंगल चाचा,
क्या देखते हो? बांध दो उसे। मुझे? अरे तुम मुझे बांधने कुछ नहीं पाएगा। अगर मेरे बेटे और मेरे स्वामी ने अगर जिस दिन सुन लिया, जिस घड़ी सुन पाएंगे कि उनकी पत्नी राधा, अगर मेरे बच्चों ने सुन लिया कि उनकी माँ को ज्वाला लेकर गया है, तो समझ ले ज्वाला उसी दिन तेरी मौत आ गई। और तुझे मालूम होना चाहिए क्या रे, जब तुझे पकड़ करके ज्वाला सीधा अपने अड्डे पर ले जाएगा, तब तेरा कसम और तंका सिवा खुद ब खुद अड्डे पे पहुंच जाएंगे। अरे वो थाली की बैंगल, तू क्या चबर चबर कर रहा कुत्ते? मैं जानती हूँ तेरी कितनी औकात है। अभी तक तू मेरे पति के तलवे चाटता था और अब इस ज्वाला सिंह के इसके, अरे तू इस पिल्ले के तलवे चाट रहा ना, तेरी भी कदा आ रही है। तू अपनी मौत को दावत दे रहा है कुत्ते, मैं कहती तू अपनी जान बचा ले। लेकिन मेरा तो सरदार का कहना ही मानना है। क्या? और मैं तुझे लेकर चल रहा हूं। अरे हरा बिलाल सामने बढ़। जब इसका कसम, जब इसका सौहर भवानी सिंह आएगा, तब उससे बता देगा अगर जय उसे राधा चाहता है तो राधा को ले जाए और गंगा को ज्वाला सिंह के हवाले कर दे। ज्वाला सिंह बंदूक लेकर था और माँ जी को उठा कर ले गया है। क्या ज्वाला सिंह जी पिताजी राधा को लेकर गया? और तू बंदूक लेकर के कहाँ जा रहा है? हम उसके अड्डे पर जा रहे हैं। किस लिए? हम जा रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए। बेटा तो चुपचाप घर में बैठ। नहीं पिताजी। अरे वो लेकर के बुढ़ी को गया है, क्या करेगा? दो चार दिन के बाद छोड़ देगा। नहीं पिताजी। क्या बोला है, क्या कह करके गया? यानी उन्होंने शर्त रखा है कि राधा को वापस ले जाना चाहते तो गंगा को हमारे हवाले करो। जी पिताजी। शंकर कि तुम नहीं जाओगे, अभी हम जिंदा हैं। नहीं पिताजी। मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं पिताजी। देख शंकर, पिताजी क्या बात, वो कमीना ज्वाला सिंह माँ को उठा कर ले गया है और शर्त रखा है कि जब तक गंगा को नहीं लेकर आओगे मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे पिताजी मैं जा रहा हूँ माँ को छुड़ाने के लिए। ठहरो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा ज्वाला को। रुक जाओ, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। ये बताओ तुम्हारी जेब में लॉकेट कैसा है, किसका है? अरे पिताजी मेरी मुंहवाली बहन गंगा का है। मुझे लाओ। किसका है? मेरी मुंहवाली बहन गंगा का है। गंगा को कब से जानते हो? काफी दिनों से जानता हूँ। ठीक है, ये लॉकेट मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम लोग घर में रहो। नहीं पिताजी। मेरा बड़ा भाई मेरी बात नहीं माना और भाग गया है। मेरी माँ को कोई उठा कर ले जाए और मैं उसे छोड़ दूं? नहीं पिताजी। प्रमुख अब ज्वाला सिंह नहीं बचेगा। अब नहीं बचेगा, दोनों लड़का सुनीन है, सबके खून खोल गया, सब ले भाग गए हैं। वो हमारे वार से तो बच जाएगा। हाँ। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उस भवानी सिंह के बच्चे हैं। हाँ। अरे उसे नोच कर खा जाएंगे। एक एक तिनका नोच ले हैं। ठीक है, पहले तो मैं जाऊंगा गंगा के पास, उसके बाद बच्चों के पास जाऊंगा। बहुत अच्छा।
क्या मालूम। अरे भवानी सिंह। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। बोले ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ये इलाके गंगा का है, गंगा को दे देना और गंगा की माँ को ज्वाला सिंह उठा लेगा। लेकिन ये बात गंगा को मत बताना। ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? हाँ, वो जिस समय सुन पाएगी उसकी माँ को ज्वाला सिंह उठा लेगा। हाँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे पहुंच गए हैं और मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। लेकिन ये बात गंगा तक मत पहुंच बताना और गंगा को घर के बाहर मत निकलने देना, क्योंकि ज्वाला सिंह ने कहा है कि जब तक राधा गंगा हमारे पास नहीं आएगी, राधा को हम नहीं छोड़ेंगे। और ज्वाला सिंह गंगा की ताक में है, इसीलिए गंगा को बाहर मत निकलने देना। ठीक है ठाकुर साहब, मैंने तुमको बहुत गलत सोचा तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो देवता से बढ़ कर देवता हो। और ठाकुर, बेटी घर की इज्जत होती है, अगर चे हमारी बेटी की तरफ किसी ने देखा तो अब की बार उसकी आंख जरूर निकाल लूंगा। ये हाथ सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। ठाकुर अगर चे किसी दिन हमारी बहन बेटियों के ऊपर ऐसी बात आई तो दोबारा बंदूक हम जरूर उठाएंगे। मैं चल रहा हूँ, नमस्कार। ठाकुरान देखो, आए देखते हैं कहीं हमारी बेटी सुर्ग चली गई हो, आइए देखते। क्या आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरी माँ को वो हराम ज्यादा ज्वाला से उठा कर ले गया है। ठीक है, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए जरूर आऊंगी। ज्वाला सिंह, मैं तेरे पास आ रही हूँ हराम जादे। हेलो, ये आ गया हमारे गुरु दीन भाई साहब, आप लालक पुरवा निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपए का चंदा आया हुआ है। पटेल, लाख लाख धन्यवाद। राधा ठकुराए, क्या बात है? क्या दीदी आ जा गई हमरे कब्जे में। हिम्मत से बांध दो इसे, फिर देखता हूं इसका कौन हम दर्द से छुड़ा करके ले जाएगा। आज तूने मुझे नहीं, इस राधा को नहीं, एक शेरिनी को बांधा है। ये समझ ले, आज तेरी मौत है। तूने अपनी मौत को दावत दिया है। ज्वाला सिंह, मेरे बच्चे जिस दिन सुन पाएंगे वो दौड़ते ही आएंगे और तेरा सर घर से अलग कर देंगे। ठीक है ठाकुराइन, आने दो अपने बच्चों को, उनको भी देखूंगा। माफ मानी सौगंध, अगर यही हाल ना किया तो मेरा भी नाम ज्वाला सिंह नहीं। नहीं लूटते
ज्वाला सिंह, अगर तूने माँ का दूध पिया है हराम जादे तो मेरा सामना कर। आओ लौंडे आओ। अरे तू ज्वाला सिंह से टक्कर लेगा, तेरे बस की नहीं है लौंडे, तैयार हो जा। तैयार हूँ। आ गया वक्त ज्वाला, अबे तेरा आखिरी रे। मौत करती तुझे देख आधा भय, मौत के अपने ले आखिरी घड़िया गिन। लौंडे ये ज्वाला सिंह से टक्कर नहीं, तो नहीं ज्वाला से टक्कर ले सकता है। आज तेरी मौत आ गई है तो आज ज्वाला सिंह के हाथों से जरूर मारा जाएगा। अरे ज्वाला वाकिफ नहीं है तू अभी, वाकिफ नहीं है तू अभी, मेरे जुनून से नहला दूंगा तुझको तेरे ही। आखिरी है वक्त तेरा, आखिरी है वक्त तेरा, ले लगा करतार से दाना पानी उठने वाला है अब तेरा सरकार से। ओ सर फरोसी की तमन्ना, सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात है। माँ हो हमारी वजह से तुम पर कोई नहीं आ चाहेगी माँ। नहीं माँ मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता माँ। ज्वाला तुम मेरा शीश चाहे काट दे लेकिन मेरी माँ को कुछ मत करना। क्या कहा कि तेरा तेरी मां को छोड़ दो और उसके बदले में तेरा शीश उतार दो। मेरी जान ले ले ज्वाला। नहीं मेरी मां को जाने दे, तुझे ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगा कि देखने वाले की रूह थर्रा जाएगी। कुछ भी कर ले ज्वाला मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरी मां को जाने दे ज्वाला, जाने दे। कि मेरी माँ और मेरे भाई को बांधकर मार रहा है, ऐसा ना हो कि एक ही वार में तेरी गर्दन डर से अलग हो जाए। खोल दे मेरी माँ को और मेरे भाई को, नहीं तो मार डरूंगा तुझे जान। आओ महारथी आओ। अरे तुम्हारा ही इंतजार था हमको और तुम आ ही गए हो। तेरी गीदर भरी धमकियों से डरने वाला इस दीवार नहीं है, खोलता है या उड़ा दूं।
अरे जरा ऐसा लौंडे, तू अभी हमको नहीं जानता है। नहीं जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ। उस दिन तुम दुआ के भाग गया था, नहीं उसी दिन तेरी टांगे नोट डालता मैं। चुपचाप खोलता है या वार करूं तुझ पे। आ लौंडे आ, आज तोरी भी इच्छा मैं पूरी करूंगा। आज तो को ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू हमेशा याद रखेगा। तैयार हो जा, तैयार हो जा, तेरा अरमान मैं पूरा कर देता हूं। मेरी माँ की गर्दन पर से तलवार उठा ले, नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं फिर कहता हूँ, खंजर को हटाता है या काट दूं तेरी गर्दन। देखा लौंडे, देखा जाला सिंह का कमाल। आज तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी रूह थर्रा जाएगी। तेरी रूह नहीं, तेरी रूह थर्रा आएगी। अखिल नंबर क्यों मारा है? जी हाँ, बिजली। जी हाँ, मेरा नाम बिजली है। वाह, नाम तेरा बिजली है। मैं तो डर गया तेरे झटके से। बिजली, क्या बात है? कुत्ते से हंस क्यों रहा? मैंने सुना है किचू तो नाच भी बहुत अच्छा है, और आज आज हमें तू नाच दिखाएगी। नाच बनी नजूंगी। बिजली, क्या बात है? नाच नाच। नहीं नाचूंगी। अरे जरा हमें भी दो चार ठुमके दिखा। अगर तू अपने यार की जान चाहती है तो नाच बिजली नाच। ठीक है, मैं अपने यार के लिए जरूर नाचूंगी। बिजली ये सोच ले, इस कुत्ते के सामने तू नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी। मैं तेरे कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जरूर नाचूंगी।
सुन, जब तक के तेरे पैर चलेंगे, जब तक के तेरे पैर चलेंगे, तेरे यार की सांस चलेगी, अगर पैर रुकेंगे तो बंदूक चलेगी। ठीक है, नाच ठीक नाचे जाऊंगा।